हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा इंटरप्राइजेस। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष विश्वकर्मा। दोस्तों, आपके लिए नए नए बॉक्स लेके आता था। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम। ये देखिए, हमारे पास एक NXT का बॉक्स है दोस्तों। इसका जो मॉडल नंबर था दोस्तों, CSE, यहाँ पे ध्यान से देखिए, CSE 0045120। दोस्तों देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा बॉक्स है, इसे हम पहले खोल के और चेक करेंगे इसके वोल्टेज के बारे में। इसमें हमारा वीडियो नहीं आ रहा दोस्तों, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि इसका ज़्यादा ज़्यादा अपना कैपेसिटर जो होता है वही ख़राब होता है, नहीं तो कभी कभी दोस्तों इसका IC खराब हो जाता है। दोस्तों ये बहुत प्रॉब्लम से खुल रहा है क्योंकि ये जाम हो गया पूरा। देखिए दोस्तों, हमारा कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि वोल्टेज की वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता दूंगा लास्ट में इसका वोल्टेज कहाँ पे कितना आता है। जैसे कि अभी देखिए, हमारा 20 पे करके और चेक करेंगे हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे हमारा 12 वोल्ट यहाँ पे क्लियर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे आता है जो AIC से हमें यहाँ पे 5 वोल्ट कन्वर्ट करके देता है दोस्तों। ठीक है, होने के बाद दोस्तों ये 5 वोल्ट हमें यहाँ पे आता है जो हमें 1.8 देता है। यहाँ पे 3.3 हो जाएगा दोस्तों, और ये IC से 1.2 हो जाएगा। मतलब दोस्तों हमारा वोल्टेज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो चालू है आपके सामने दिख रहा है। अभी देखिए वीडियो भी आया दोस्तों हमारा, लेकिन ऑटोमेटिक फिर चला गया। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है, या तो देखिए दोस्तों ये हमारा कैपेसिटर ख़राब हो। ठीक है दोस्तों, या तो यहाँ पे देखिए एक डायोड है, ब्लैक कलर का डायोड होता है पीछे, वो खराब होता है, या तो हमारा ये प्रीसेट IC खराब होता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 1.1, मतलब हमारा यहाँ तक वीडियो आ रहा है दोस्तों, तो हमारा हो सकता है कैपेसिटर खराब हो। मैंने बहुत ही वीडियो बनाया दोस्तों वीडियो के बारे में NXT का, तो आपको हमारे हर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले एक बार हम इसे ऐसे शॉर्ट करके चेक करेंगे कि हमारा आ रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमें अभी वीडियो आ रहा है, मतलब दोस्तों हमारा ये कैपेसिटर ही खराब है, ये कैपेसिटर जो होता है वो खराब है। तो आइए इसे हम पहले चेंज कर देते हैं। देखिए अभी इसे साफ कर लेंगे हम पहले। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पहला वाला था वो था 6.3 वोल्ट 220 VF में, और जो अभी हमारे पास है दोस्तों वो है 16 वोल्ट में 220 VF में है। दोस्तों यहाँ तक यूज कर सकते हैं, 16 वोल्ट तक आप काम कर सकते हैं, अच्छा से वर्क करेगा। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे फिर से सोल्डरिंग कर देंगे। और अभी हम फिर से दोस्तों यहाँ पे इसे लगा के और ऑडियो वीडियो सब भी चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा फाइनली वीडियो आ ही गया है दोस्तों, क्योंकि हमारा एक कैपेसिटर ही ख़राब था। तो कैपेसिटर आप चेंज कर देंगे तो दोस्तों हो जाता है ज़्यादा ज़्यादा। और दोस्तों कैपेसिटर ही ख़राब हो, देखिए जैसे कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा वीडियो का काम करते हैं, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम कंपलसरी आता ही आता है दोस्तों। इसमें 100% दोस्तों वीडियो का ही प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों शेयर भी करें, इंस्टाग्राम पे जाके हमें दोस्तों फॉलो भी करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।